नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग कोबरा पोस्ट में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। सुबह के 8 बजे हैं और हर रोज की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने देश विदेश की ताजोतरीन खबरों के साथ। पिछले 24 घंटे में अगर आपने कोई न्यूज चैनल नहीं देखा तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि 24 घंटे की पूरी कवरेज, बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बुलेटिन के जरिए। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि हमारे साथ देश के 10 बड़े अखबार हैं, अंग्रेजी अखबार है, हिंदी अखबार है, सबकी हेडलाइंस है और उनकी एक्सक्लूसिव खबरें भी हम आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। तो आप भी हो जाइए तैयार कि देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए। राजनीतिक गलियारों से लेकर खेल जगत की और देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने होंगी और आपको पिछले 24 घंटे का पूरा घटनाक्रम हम आपको इस बुलेटिन के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कुछ अंग्रेजी अखबारों की और बात होगी सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर की। फ्रंट पेज पहली खबर, ये खबर आज देश के हर बड़े अखबार ने उठाई है और फ्रंट पेज की पहली खबर आज यही है कि वीडियो ऑफ आर्मी यूजिंग जम्मू एंड कश्मीर यूथ एज ह्यूमन शील्ड ट्रिगर्स स्टॉर्म। कश्मीर में सेना की जीप के आगे प्रदर्शनकारी को बांधने का वीडियो वायरल हुआ और सियासत भी इसके साथ तेज हो गई। एक कश्मीरी लड़के को सेना की जीप के आगे बांधकर ले जाने का वीडियो सोशल साइटों पर वायरल हो रहा है, इस पर कश्मीर में सियासत तेज हो गई है। आरोप है कि पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक नाराजगी भरे ट्वीट के साथ इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि नौजवान को जीप के आगे बांध दिया ताकि जीप पर कोई पत्थर ना मार सके, यह चौंका देने वाला है। जवाब क्या मिला, जवाब भी सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी इस वीडियो के बारे में राज्य पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। तो कहने का मतलब है एक तरफ सियासत है और दूसरी तरफ देश की आर्मी अकेली खड़ी हुई है। आपने देखा होगा सोशल साइटों पर आजकल बहुत ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां सीआरपीएफ के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को कश्मीरी युवक पत्थरों से पीट रहे हैं, उनकी हिफाजत भी वही जवान कर रहे हैं और बदले में उन्हें लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए जब सेना ने कश्मीर के एक प्रदर्शनकारी को जीप के आगे बांध दिया और उसके बाद उसे लेकर चली, तो वो वीडियो अब सोशल साइटों पर वायरल हो गया और सियासत ऐसी तेज हुई कि उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक हर एक ने कह दिया कि यह बिल्कुल शर्मनाक है और अस्वीकार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कश्मीर में अगर ऐसा हुआ है तो यह बेहद गंभीर मामला है। खैर, अब यह खबर के बाद सीधा रुख करते हैं कि जो प्रदर्शनकारी जीप के आगे बांधा गया था आखिर वो कौन था। द इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं और यह एक्सक्लूसिव आप कह सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की टीम उस लड़के के घर तक पहुंची जिसे जीप के आगे बांधा गया था। यह मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यह आर्मी की जीप है और उसके सामने इस युवक को बांधा गया है। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए, यह वही युवक है जिसे जीप के आगे बांधा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने इसके घर में, इसे घर वालों से, इसकी मां से बात की कि और सच्चाई जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सच है। वीडियो वर्सेस वीडियो, टेलर सेज आर्मी टाइड मी टू जीप, पैराडिड मी अक्रॉस 9 villages। जो लड़का है फारूक अहमद, उसका यह कहना है कि आर्मी ने मुझे जीप पर बांधे रखा कई घंटों तक और उसके साथ साथ मुझे 9 गांव में घुमाया। टू डेज आफ्टर वीडियो ऑफ कश्मीरी यूथ हैकिंग एंड असॉल्टिंग सीआरपीएफ पर्सनल डिड द राउंड ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर वीडियो सरफेस्ड फ्राइडे, दिस टाइम शोइंग अ मैन टाइड टू बाउंडर ऑफ अ मूविंग आर्मी जीप फॉलोड बाई अ ट्रक। ये देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो ये शख्स है आप देख रहे हैं, इसका नाम फारूक अब्दुल्ला है जो कि कश्मीर के बड़गांव के चिल गांव का रहने वाला है। बड़गाम जो जगह है वो काफी सेंसिटिव प्लेस मानी जाती है। इससे पहले अभी बड़गाम में इलेक्शन हुए थे जहां पर 8 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो बड़गांव की ये घटना है और बड़गांव के चिल इलाके में रहने वाला है ये शख्स। का कहना है, इंडियन एक्सप्रेस की टीम से जब बातचीत हुई तो उसने बताया कि मुझे टॉर्चर किया गया है और इस टॉर्चर में उसके हाथ में एक बैंडेज बंधा भी दिखाई दे रहा है, उसका एक हाथ सूजा हुआ है और आर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं निर्दोष हूं और आर्मी ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। उसने यह भी कहा कि मेरा काम एम्ब्रॉयडरी करना है,
जो कश्मीरी शॉल्स होते हैं, सूट्स होते हैं, उन पर एम्ब्रॉयडरी करता है वो, और थोड़ा बहुत काम कारपेंटरी का भी जानता है, यानी कि बढ़ाई का काम भी जानता है। और उसके अलावा हम गरीब लोग हैं, लेकिन आर्मी ने मेरी गरीबी का फायदा उठाते हुए मुझे ढाल बनाया और जीप के आगे बांधकर कई घंटों तक लगातार टॉर्चर किया और 9 गांव में घुमाया। ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। उधर महबूबा मुफ्ती ने बोल दिया है, जो सीएम है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कह दिया है कि अब जांच होगी और जांच में हकीकत पता लगाई जाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर जीप के सामने बांधे जाने वाला युवक वाकई पत्थरबाज है, प्रदर्शनकारी है, तो उस पर गाज गिरेगी, और नहीं तो हम आर्मी को टाइट करने की कोशिश करेंगे। अगर आर्मी ने एक निर्दोष नौजवान को जीप के आगे बांधकर इस तरह से उसे अशोल्ड करने की कोशिश की है तो अगली खबर है, आई ऑन ओडिशा, बीजेपी ग्रीट्स शाह विद हाफ वे मार्क लोटस गार्लैंड। यूपी में शानदार, यूपी और उत्तराखंड में शानदार जीत के बाद अब ओडिशा पर टिकी है बीजेपी की निगाहें, और कल भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, और वहां पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। 74 कमल के फूलों की माला पहनाई गई अमित शाह को। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 15 और 16 अप्रैल से भुवनेश्वर में है। यूपी और उत्तराखंड में मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि जिन राज्यों में 2019 तक चुनाव होने हैं, वहां पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी कई कार्यक्रम उन राज्यों में करने का प्लान बना रही है, और ओडिशा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उसी प्लान का एक हिस्सा है। यूपी चुनाव की शानदार कामयाबी के बाद अब बीजेपी के एजेंडे में ओडिशा आ गया है। शनिवार से भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, यानी आज से शुरू हो रही है, और जहां खुद पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं, यानी कि बीजेपी ने ओडिशा फतेह की उल्टी गिनती अब शुरू कर दी है। अब मिशन ओडिशा है, और भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं अमित शाह, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। 74 कमल के फूलों की माला से उनका स्वागत किया गया। कमल की अब बात होती है कि आखिर कमल ही क्यों, तो आपको बता दें बीजेपी का चुनाव चिन्ह और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कमल का फूल है, और कमल के फूल की माला से, 74 फूलों की माला से कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत किया गया। भुवनेश्वर में जोरदार स्वागत हुआ, और आज से वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है, जो कि कल तक चलेगी, और यहां इस दौरान पीएम मोदी अपना रोड शो भी करेंगे। तो मिशन ओडिशा अब बीजेपी का अगला टारगेट है। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी और उत्तराखंड में जो बीजेपी का शानदार जादू चला है, इसके बाद ओडिशा में कमल की कितनी लहर चल पाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं, क्लीन चिट फॉर संगीत सोम इन इन्फ्लेमेटरी वीडियो केस। संगीत सोम जो कि बीजेपी के नेता हैं, और एसआईटी से उन्हें अब क्लीन चिट मिल गई है। मामला सुन लीजिए क्या है। दंगा संबंधी मामले में जांच कर रहे विशेष जांच दल, यानी कि एसआईटी ने एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपलोड किए गए फर्जी लेकिन भड़काऊ वीडियो के मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम को क्लीन चिट दे दी है। मामले के जांच अधिकारी निरीक्षक धर्मपाल त्यागी ने यहां की एक अदालत में अंतिम रिपोर्ट दायर करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। आपको बता दें जो मामला है वो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा है, जब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें संगीत सोम भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे थे, और कहा यह जा रहा था कि इस भड़काऊ भाषण से जो दंगा है वो भड़का है और लोगों की जाने गई हैं। एसआईटी जांच कर रही थी, और 2013 से लेकर अब तक जो जांच हुई 4 साल तक, उसमें यह सामने आया कि ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सबूतों का कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिला, कि सबूत नहीं मिल पाए संगीत सोम के खिलाफ, इसलिए मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी विधायक संगीत सोम के लिए एक और अच्छी खबर यह है। यह भी आपको बता दें कि इस बार भी संगीत सोम सरधना से चुनाव जीते हैं बीजेपी के टिकट पर और विधायक बने हैं, और इससे पहले भी वो विधायक रहे हैं, और इलाके में इनका बड़ा वर्चस्व माना जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स का रुख करते हैं और बात करते हैं नोटबंदी के बाद हुए जो भी अब मामला चल रहा है उसकी बात करते हैं, कि नोटबंदी के बाद क्या कुछ अब हो रहा है और इसकी गाज अब किस पर गिरेगी। 60,000 पीपल अंडर आईटी लेंस फॉर कैश ट्रांजेक्शंस। 60,000 लोग अब इनकम टैक्स की रडार पर हैं, और इनकम टैक्स ऐसे लोगों से
पूछताछ करेगा, जांच करेगा कि आखिर उनके पास जो पैसा है, जो कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, वो पैसा आखिर कहां से आया है। बड़ी खबर है क्योंकि आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से लगातार ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां कई कई लाख रुपए किसी खाते में जमा हुए हैं। सरकार को कैश खरीदारी में काले धन की आशंका है, एक साल तक लग सकता है जांच में, और 60,000 खातों की गहन जांच होगी। अस्पताल और पेट्रोल पंप भी जांच के दायरे में हैं। नोटबंदी के बाद कैश में बड़ी खरीदारी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की भी जांच होगी। अचानक कैश में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले आयकर विभाग के रडार पर ये लोग आ चुके हैं। और किस किस की जांच होगी ये भी सुन लीजिए। 1300 ने कैश में बहुत ज्यादा बिक्री का दावा किया है। 6000 मामले ऊंचे दाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के हैं और 6600 मामले विदेश पैसे भेजने के हैं। बाकी वो हैं जिन्होंने पहले चरण में नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इन सब की व्यापक जांच होगी। अब देखिए, जब नोटबंदी हुई तो लोगों ने जो उनके पास स्टॉक रखा हुआ था पैसे का, उसे यूटिलाइज किया। किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी और किसी ने अपना पैसा इधर उधर छोटे छोटे लोगों के खातों में जमा करा दिया। जिन खातों में कभी 100-150 या हजारों में लेन देन हुआ करता था, वहां 2.5-2.5 लाख रुपए और 5-5 लाख रुपए उन खातों में जा पहुंचे। अब जांच होना लाजमी है। एक साल लग सकता है जांच में, लेकिन जांच होकर रहेगी और पता लगाया जाएगा कि जिन खातों में ये अनाप शनाप पैसा पहुंचा है, आखिर ये पैसा उन लोगों के पास कहां से आया और उस पैसे का क्या कुछ जरिया था। ये तमाम चीजें अब सामने आएंगी। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से लगातार सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश कर रही है। नोटबंदी भी भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का एक बड़ा हिस्सा था, और ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश ये रहेगी कि नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को हवा दी है, अब वो बुरे फंसेंगे, बच नहीं पाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं जाधव की। इंडिया सीक्स एक्सेस टू जाधव। मामला यह भी बड़ा पेचीदा है और फंसा हुआ मामला है, क्योंकि जाधव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और उधर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। जाधव पर 14वीं बार भी कोशिश जो है वो फेल हो चुकी है। भारत ने शुक्रवार को 14वीं बार कुलभूषण जाधव से मुलाकात की इजाजत मांगी, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। पाकिस्तान में फांसी का सामना कर रहे जाधव के मुद्दे पर भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने इस्लामाबाद में पाक की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात में ये मांग की रखी। बम्बावले ने जाधव की चार्जशीट और आर्मी कोर्ट के ऑर्डर की प्रमाणित कॉपी देने को कहा, ताकि फांसी की सजा के खिलाफ अपील की जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार फिर वही रवैया अपनाते हुए मना कर दिया कि कोई आपको मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मामला अब गर्मा चुका है कि आखिर जाधव को लेकर क्या चाहता है पाकिस्तान। खबर यह भी आ रही है कि पैरोकारों के खिलाफ नापाक चेतावनी दे दी है पाकिस्तान ने, और सेवा देने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। पाकिस्तान ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि जो भी वकील पाकिस्तान का जाधव का केस लड़ेगा, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी। यानी अब कोई वकील जाधव का केस भी नहीं लड़ पाएगा। भला देखिए, वो कैसा लोकतंत्र है, वो कैसा देश है जहां पर न्याय नाम की चीज नहीं है, जहां पर व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जहां पर कानून का नहीं बल्कि नेताओं का जोर चलता है। कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है तो उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया जाता है, उसे वकील मुहैया कराए जाते हैं। हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मामलों में, जैसे निर्भया केस था या फिर और बड़े बड़े निठारी केस था जहां पर इंसानियत की धज्जियां उड़ाई गई, उन मामलों में भी जो दोषी लोग थे उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया। अदालत में वो केस लड़े, उसके बाद अगर वो दोषी साबित हुए वो बात एक अलग थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने वकीलों पर बैन लगा दिया है कि जाधव का जो केस लड़ेगा उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी। खैर, अब जाधव जो है वो लगातार गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं। भारत एक बार फिर कह चुका है कि हमें पता ही नहीं है कि आखिर जाधव कहां है, वो जिंदा भी है या नहीं है।
एनबीटी का रुख करते हैं और बात करते हैं कल की एक और बड़ी खबर की, जो कि पीएम मोदी से जुड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने आधार पेमेंट ऐप की शुरुआत की है और अंगूठा दबाओ पैसे पाओ। अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भीम ऐप के जरिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इससे लोग अपने आधार नंबर के जरिए खरीदारी कर पाएंगे और पेमेंट के लिए कस्टमर को सिर्फ अंगूठे के निशान की जरूरत होगी। सिर्फ अंगूठा दबाओ और आप उसमें पेमेंट कर पाएंगे। एक डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो पीएम मोदी ने साकार करने की कोशिश की है। भीम आधार ऐप लॉन्च हो चुकी है और उंगली के निशान से पेमेंट होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि भीम ऐप से दूसरों को जोड़ने पर मिलेगा 10 रुपए का बोनस। जो लोग भीम ऐप के जरिए, यह होगा कि जो लोग इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे और दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे उन्हें 10 रुपए का बोनस दिया जाएगा हर ट्रांजेक्शन पर। तो देखिए, एक डिजिटल और कैशलेस इंडिया का जो सपना पीएम मोदी ने सोचा था उसे साकार करने की कोशिश अब बहुत तेज हो गई है। आधार से लिंक कर दिया है भीम ऐप को और भीम ऐप बहुत जल्दी कामकाज शुरू कर देगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 मई से ये काम करना शुरू कर देगी और कल इसे लॉन्च कर दिया है पीएम मोदी ने। तो अब सिर्फ फिंगर इंप्रेशन, आपका जो थंब इंप्रेशन होगा वही इसे संचालित करेगा। अगर आप कहीं पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ मशीन पर अपना अंगूठा लगाना होगा और पेमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी से जुड़ी खबरों की। यूपी में नई सरकार बनी है और सरकार 25 दिन पुरानी हो चुकी है, तो क्या कुछ चल रहा है ये सोचिए। अमर उजाला की खबर है और फ्रंट पेज की पहली खबर है, सूबे में रद्द होंगी महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां, सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती समारोह में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि महापुरुषों के नाम पर जो छुट्टियां अब तक होती थी वो सब बंद कर दी जाएंगी। अवकाश इसी तरह बढ़ते रहे तो ऐसा समय आएगा जब स्कूलों में कोई कार्य दिवस नहीं बचेगा। बड़ी बात यह कही है कि 42 सार्वजनिक छुट्टियां हैं यूपी में। सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या 42 है, इनमें से 17 छुट्टियां महापुरुषों के जन्मदिन पर है। सार्वजनिक अवकाश के मामले में यूपी संभवतः देश में नंबर 1 है। ये उन्होंने कह दिया है कि 42 गजेटेड ऑफ है और उन गजेटेड सरकारी छुट्टियों में 17 छुट्टियां ऐसी हैं, कभी रविदास जयंती है तो कभी अंबेडकर जयंती है, कभी महावीर जयंती है। तो जो महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां स्कूलों में मिलती हैं वो अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इन छुट्टियों का क्या लाभ है। अगर इसी तरह छुट्टियों का सिलसिला जारी रहा तो एक दिन वो आ जाएगा जब स्कूलों में कार्य दिवस होगा ही नहीं, मतलब स्कूल खुलेंगे ही नहीं, छुट्टियों पे छुट्टियां होती रहेंगी। तो बड़ा एक्शन लिया है और कहा है कि अब इन छुट्टियों पर लगाम लग जाएगी, छुट्टियां कैंसिल की जाएंगी, खासतौर से वो छुट्टियां जो कि महापुरुषों के नाम पर होती हैं। भाजपा के खिलाफ किसी से भी गठजोड़ माया। कल एक बड़ी खबर यह भी है यूपी की कि कल अंबेडकर जयंती थी और ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और कई बड़ी बड़ी चीजें सामने आई। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर बीजेपी विरोधी पार्टियां साथ आए तो हाथ मिलाने में संकोच नहीं करेंगी। माया ने कह दिया है कि बिना शर्त बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के लिए वो बिना शर्त के दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाने को पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जिस तरह से बिहार में हुआ था कि आरजेडी अध्यक्ष लालू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश एक साथ मिल गए थे और दोनों ने मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और चुनाव में हरा भी दिया था, अब ऐसा ही कुछ यूपी के समीकरण बनते जा रहे हैं। सियासत कुछ ऐसी हो गई है कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ तमाम पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ऐसे में मायावती से कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती शायद कभी अखिलेश से हाथ नहीं मिलाएंगी, क्योंकि ध्रुव विरोधी है दोनों पार्टियां एक दूसरे की, सपा और बसपा। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का जो रथ है उसे रोकने में वो निसंकोच किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। दूसरी बड़ी खबर यह भी है, कल मायावती ने ऐलान किया है कि जो आनंद कुमार है, मायावती के जो छोटे भाई हैं, वो बसपा के उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। यानी कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसकी कमान अब दोनों भाई बहन के हाथ में है। बसपा सुप्रीमो मायावती है और मायावती के बाद दूसरे नंबर पर उनके भाई आनंद कुमार हैं। अब तीसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। तीसरी खबर, अब तक आपने देखा होगा कि लोग
मायावती की अक्सर खिंचाई करते थे। सोशल मीडिया पे ये मैसेज काफी वायरल होता था कि मायावती अपना पूरा भाषण पढ़ पढ़ कर बोलती है, आखिर क्या वजह है कि वो अपने आप भाषण का एक शब्द नहीं बोल पाती। तो मायावती ने यह भी खुलासा कर दिया है कि लंबे समय पहले उनका जो थ्रोट था उसका ऑपरेशन हुआ था, जहां उनकी ग्लैंड्स में कुछ कमी आ गई थी, जिसके चलते उनका जो गला है वो काफी सेंसिटिव हो चुका है। अगर वो खुद भाषण देंगी तो वो तेज बोलेंगी और तेज बोलने से उनके गले पर जोर पड़ेगा, लिहाजा वो धीरे धीरे बोलती हैं और एक एक शब्द पढ़ पढ़ कर बोलती हैं। चलिए खैर, ये बात थी बसपा सुप्रीमो मायावती की, जहां कल कई बदलाव हुए, कई खुलासे हुए, कई राज सामने आए। अब अगली खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं दिल्ली में चल रहे एमसीडी चुनाव की। तो एक से दो माह के लिए चुनाव टाल दीजिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपके प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर ये मांग की है कि आप कुछ महीनों के लिए चुनाव को टाल दीजिए, चुनाव बाद में हो जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि या तो चुनाव सही ढंग से कराए जाए, और अगर सही ढंग से चुनाव नहीं हो पाते हैं तो ऐसी ईवीएम से चुनाव ना कराए जाए जो गड़बड़ झाला जिनमें हो रहा है, उससे अच्छा यह होगा कि आप चुनाव टाल दीजिए या चुनावों की तारीख आगे बढ़ा दीजिए। केजरीवाल ने कहा है कि वीवीपैट से चुनाव हो। वीवीपैट वो सिस्टम है, हम आपको बता दें कि वीवीपैट वो ईवीएम मशीन का सिस्टम है, जब आप जिस भी सिंबल पर मोहर लगाएंगे, जो भी आप बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही आपके सामने एक पर्ची निकल कर आएगी और वो पर्ची पर लिखा होगा कि आपने अपना वोट किसे दिया है। उस पर्ची को जो वोट डालने वाला है वो चुनाव आयोग के जो अधिकारी वहां पर बैठते हैं उसे जमा कराएगा और वो पर्ची संभाल कर रखी जाएगी। अगर कभी ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं तो आप पर्चियों से भी काउंटिंग कर सकते हैं कि किस नंबर का वोट किस कैंडिडेट को पड़ा है। तो ये एक साफ सुथरी प्रणाली कही जा रही है और केजरीवाल ने कहा है कि आप इसी प्रणाली से चुनाव कराएं, और अगर आप अभी चुनाव इतनी जल्दी ये प्रणाली लागू नहीं कर सकते हैं तो चुनाव को एक दो महीने के लिए खिसका दीजिए। खैर, अगली खबर यह है, यह भी एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई खबर है, केजरीवाल की राजनीति से लोग खफा हैं। यह कहना है बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी का। नई दिल्ली को के मटियाला वार्ड में शुक्रवार को सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा ने रोड शो में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं, झूठ का पुलिंदा बांधते हैं और लोगों को लोक लुभावन वादे देकर उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उस तरह की राजनीति से दिल्ली के लोग खफा हैं। और यही वजह है कि रजौरी गार्डन का जो उपचुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है, जबकि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह सत्ता में आएगी और केजरीवाल को लोग जवाब दे देंगे कि उन्होंने जो लोगों से झूठ झूठ बोला है उसका जवाब जनता उन्हें देगी। और तीसरी बड़ी खबर हम आपको यह बता दें दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर कई स्थानीय नेता अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, यानी कि एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका यहां पर लगा है कि कल कई ऐसे नाम थे जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं बिहार झारखंड की। देश और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कहा है कि दहेज देने वाले और लेने वालों के घर शादियों में ना जाएं, ऐसे लोगों के घर पूरा बॉयकॉट कर दें जो कि भारी भरकम दहेज लेते हैं और देते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव आप कह सकते हैं दहेज को रोकने के लिए, जो कि नीतीश कुमार सीएम नीतीश कुमार ने लिया है। दहेज लेने और देने वालों के घर शादियों में नहीं जाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता से दहेज लेने वालों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती समारोह में सीएम ने दहेज और बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ शराबबंदी की तर्ज पर ही सामाजिक अभियान चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के भी खात्मे की आवश्यकता जताई है। समारोह का आयोजन जदयू ने किया था और दलित समाज सोचे रोहित वेमुला को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं की,
वंचितों के लिए करना पड़ेगा विशेष प्रयास। उन्होंने कहा है जो पिछड़े लोग हैं, छोटे हैं, दलित हैं, दले हुए लोग हैं, उन सबके लिए अब सरकार काम करेगी। मौका था भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती का और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें कही, बड़ी बातें कही हैं और अगर बिहार में सब बातें लागू हो जाती हैं तो एक बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं कि पिक्चर जो है वो बदल जाएगी। देखिए शराबबंदी जिस तरह से हुई थी बिहार में काफी आक्रोश हुआ, लोगों ने काफी गुस्सा जाहिर किया, लेकिन शराबबंदी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सामने आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब महिलाएं भी तारीफ करती हैं कि जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी करी और शराब पर लगाम लगाई। अब उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के बाद अब दहेज को बंद करना, बाल विवाह को बंद करना उनकी पहली प्राथमिकताएं होंगी। इसके अलावा जो दलित हैं उनके साथ जो समाज में अत्याचार होते हैं, छू अछूत की भावना जो है उसे भी वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं देश विदेश की खबरों की। हिंदुस्तान की खबर की हम बात कर चुके हैं, अब देश विदेश की जरा बात कर ले कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे बड़े बम से मरे आईएस के 36 आतंकी। आपको बता दें कि अमेरिका ने परसों शाम 7 बजे अफगानिस्तान में आईएस के ट्रेनिंग सेंटर पर सबसे बड़ा 10,000 किलो का बम दागा था और इस बम में खबर ये आ रही है कि आईएस के 36 आतंकी ढेर हो चुके हैं। अमेरिका ने पहली बार इस्तेमाल किया ऐसा बम। ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया इशारा ना समझे तो ये उसकी समस्या है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जो बाकी देश हैं जो तानाशाही कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, अड़ियल रवैये पे हैं, वो भी अब समझ लें कि क्या होने वाला है। रशिया और उत्तर कोरिया को भी चीन ने अमेरिका ने चेता दिया है। अमेरिका ने उकसाया तो कभी भी छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। उत्तर कोरिया ने भी धमकी दे दी है और आपको बता दें कि जो ये बम दागा गया था ये हरकुलिस विमान से दागा गया था, 10,000 किलो का बड़ा सबसे विशालकाय और गैर परमाणु ये बम था अमेरिका के पास। अमेरिका ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है, भारी डिस्ट्रक्शन हुआ है, कहते हैं कि 2 किलोमीटर तक का दायरा पूरा उजाड़ दिया है और इस बम की गूंज 300 मीटर जमीन के अंदर तक गई है। तो जो आतंकी ट्रेनिंग करते थे और गुफाओं में छिपते थे वो गुफाएं तक नष्ट हो गई है, 36 आतंकियों की मौत हुई है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि मरने वाले आतंकियों में 20 भारतीय भी शामिल थे और ये वो लोग थे जो कि वक्त दर वक्त गायब होते रहे और सीमा पार जाकर अफगानिस्तान में पहुंच गए और वहां पर आईएस का हिस्सा बन चुके थे, आईएस के ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्हीं लोगों की भी मौत हो गई है ये भी माना जा रहा है। और बिजनेस की खबरों का रुख करते हैं, जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या कुछ चल रहा है। SBI करेगा 1,00,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन, बड़ी खबर है, आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने में अपनी भागीदारी को तेज करते हुए चालू वित्त वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपए के डिजिटल कारोबार का लक्ष्य तय कर दिया है। कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बैंक ने यह फैसला लिया है और बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने जारी बयान में कहा कि साल 2017-18 के लिए बैंक की डिजिटल इंडिया में भागीदारी और इससे कारोबार का लक्ष्य तय किया गया है। देश भर में 110 गांवों को गोद लेकर वहां डिजिटल प्रणाली विकसित करने के साथ ही कई अन्य कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों तथा छात्रों के अलावा व्यापारियों को डिजिटल चैनल के अंतर्गत लाने के लिए प्रोत्साहन करने का काम जारी हो चुका है। और अगली खबर का रुख करते हैं और खबर ये भी आम आदमी जुड़ी हुई है, ये भी बिजनेस की खबर है। सोना अब और चमकेगा, यानी कि सोने के दाम और ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। राजनीतिक तनावों के बल पर दिल्ली सराफा बाजार में सोना लगातार चौथे दिन बढ़त में रहा और ये 100 रुपए की तेजी के साथ 29,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी कि 30,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराए जाने के बाद पीली धातु के 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार कर जाने की पूरी संभावना है और आज हो सकता है कि सोना 30,000 के आंकड़े को भी पार कर जाए। इस बीच चांदी भी एक
चांदी भी 100 रुपए की छलांग लगाकर 43,000 प्रति किलोग्राम बोल गई है। तो देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है और सोने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। जिन घरों में शादियां हैं, फंक्शंस हैं, वो लोग सोना खरीद रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी आज सोना खरीदने वाले हैं तो इस हिसाब से अपने घर से निकलें, पैसा अच्छा खासा लेकर निकलें, क्योंकि सोने की चमक बढ़ गई है, सोने के भाव तेज हो गए हैं और आज हो सकता है कि सोना 30,000 रुपए तोला हो जाए, 30,000 रुपए का आंकड़ा भी पार कर जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने आपको दिखाई है, देश विदेश से लेकर राजनीति की खबरें, सूबे की खबरें और इसके अलावा अर्थव्यवस्था की तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू करा दिया है। तमाम बड़े अखबारों की हेडलाइंस और उनकी एक्सक्लूसिव खबरें भी हमने आपको इस बुलेटिन में दिखाई हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर इसी वक्त यानी कि सुबह 8 बजे होगी आपसे मुलाकात कुछ और बड़ी खबरों के साथ। लेकिन देश और दुनिया की पल पल की पूरी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कोबरा पोस्ट के साथ। हमारी वेबसाइट है www.hindi.cobrapost.com। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने फेसबुक पर जाइए और फेसबुक पेज पर जाकर कोबरा पोस्ट हिंदी टाइप कीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे आप उसके बाद हमसे लगातार जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारी खबरें भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।